वेलकम बैक एवरीवन, लेट्स स्टार्ट कनेक्टिंग। सो टुडे वी आर बैक विद वन मोर प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेवन, जो क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी का मतलब क्या होता है? कमांड मतलब आप जो अपने एम्प्लॉयज को सुपीरियर, जो अपने नीचे नीचे लेवल वाले एम्प्लॉयज को जो ऑर्डर देता है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कमांड। तो सिंपल में फेवन क्या बोलना चाह रहा है, फेवन ये बोल रहे हैं कि हर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर बस एक ही बॉस से मिलना चाहिए, उसे मल्टीपल बॉस से ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों मिलकर ऑर्डर देने सीखो। इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, सी सोच नहीं पाएगा कि भाई मुझे करना क्या है, मैं ए की सुनूं या मैं बी की सुनूं, मैं ए को रिपोर्ट करूं या बी को रिपोर्ट करूं। एक एम्प्लॉय हमेशा क्या रहेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेगा। और साथ ही साथ ए और बी के मन में या इन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस होंगे। कैसे ईगो क्लैशेस होंगे, कभी मान लो सी ने अगर बी का काम कर दिया तो ए को बुरा लग जाएगा, अगर सी ने ए का काम कर दिया तो बी को बुरा लग जाएगा। तो ऐसे क्या होगा कि जो टॉप लेवल मैनेजर है उनके बीच में बहुत ज्यादा ईगो क्लैश होगा, और जो लोअर लेवल पे है, जो मिस्टर सी है हमारा, वो क्या हो जाएगा, उससे हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि मैं रिपोर्ट किसको करूं, मैं किसका काम पहले करूं। और ये भी हो सकता है कि डिसिप्लिन कैन बी वायलेटेड इन दिस। डिसिप्लिन कैसे वायलेट होगा, सी ऐसा कर सकता है कि वो सिंपल में आके बोल दे आपने ये बोला था, आपने ये बोला था, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया, तो वो काम ही बुरा ना हो, इफेक्टिवनेस शायद अचीव ही ना हो, और साथ में साथ क्या वायलेट हो जाए, डिसिप्लिन वायलेट हो जाए। तो फेवन एकदम क्लियरली बोलते हैं और बहुत ज्यादा एम्फेसिस डालते हैं इस प्रिंसिपल पे कि एक एम्प्लॉय को हमेशा हमेशा कमांड बस एक ही मैनेजर से मिलना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन ना हो, कोई भी तरह का ईगो क्लैश ना हो, और इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो सके। इससे हम डिसिप्लिन भी मेंटेन कर पाएंगे और काम भी ऑर्गेनाइजेशन में पूरा हो पाएगा। ठीक है, होप दिस हेल्प्स, लेट्स कनेक्ट सून।